हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। स्पा सेंटर की आड़ में चल रही थी अनैतिक एक्टिविटी। स्पा सेंटरों से चार युवतियों सहित सात युवक को पकड़ा। कार्रवाई हुई तो अन्य सेंटर भी बंद हो गए। बाड़मेर, बाड़मेर जिले के बालोतरा डीएसपी ने बालोतरा शहर में स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे अनैतिक एक्टिविटी की सूचना पर दो अलग अलग स्पा सेंटरों में से चार युवतियों और ग्राहक सहित सात युवक को हिरासत में लिया है। इनको बालोतरा व पचपदरा पुलिस थाने लाया गया। इनके खिलाफ पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। स्पा सेंटर पर कार्रवाई के बाद बालोतरा शहर के अन्य स्पा सेंटर बंद करके गायब हो गए हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि बालोतरा शहर में स्पा सेंटर पर स्पा की आड़ में अनैतिक गतिविधियां चल रही हैं। इस पर डीएसपी धनफूल मीणा ने शनिवार रात 9 बजे कार्रवाई करते हुए नया बस स्टैंड पर संचालित स्पा से दो युवती सहित एक युवक को हिरासत में लिया। वहीं पचपदरा बाईपास पर पायल स्पा सेंटर पर कार्रवाई करते हुए 5 से 6 युवक युवतियों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने अभी तक खुलासा नहीं किया कि पकड़े युवक ग्राहक थे या संचालक। पचपदरा में रिफाइनरी के कार्य को देखते हुए गत 6 माह में बालोतरा व पचपदरा इलाके में 1 दर्जन से अधिक स्पा शुरू हो गए हैं। इन स्पा सेंटरों में मसाज के अलावा अनैतिक कार्य भी किए जा रहे हैं। इस कार्य में संचालक मुंबई, पश्चिमी बंगाल सहित अन्य राज्यों में युवतियों को बुलाया जाता है। युवतियाँ और युवक से पूछताछ की जा रही है। गौरतलब है कि बाड़मेर व बालोतरा शहर में स्पा सेंटर की आड़ में ऐसे काम हो रहे हैं। 5 दिन पहले भी बाड़मेर पुलिस ने शहर में स्पा सेंटर पर कार्रवाई करते हुए 4 युवतियां सहित 9 जनों को गिरफ्तार किया था। जागरूक टीवी के बाड़मेर से ठाकरा मेघवाल की रिपोर्ट।